That was Senator from your life witness. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सना खान और हमारी आज से शुरू हो रही हमारी इस खास सीरीज करियर एक नई दिशा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर। यूं तो लाखों नौजवान अपने घर से सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं, वो सपने जिन्हें पूरा करने के लिए वो उन तमाम मंजिलों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं जिनके बलबूते वो दुनिया पर अपना सिक्का जमा सकें, मगर उनके ये ख्वाब अधूरे रह जाते हैं जब नहीं मिलती है उनके करियर को सही दिशा। भारत जनसंख्या में विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश, और बात अगर भारत के युवा ब्रिगेड की करें तो आधी से ज्यादा की नौजवानों की आबादी आज भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। बेहतर भविष्य के लिए बढ़िया प्रोफेशनल कोर्सेज आज के युवक को साधारण नौकरी भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रीज पाने के बावजूद आज भी हमारे नौजवान अपनी पहचान बनाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BA, BSc, MBA, होटल मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी पाने के दावे आज खोखले ही साबित हो रहे हैं। महंगी डिग्रीज के बावजूद आज की यूथ ब्रिगेड बेहतर भविष्य के लिए सही लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही है। नतीजा, देश में बेरोजगारी की सीढ़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोर्सेस की माने तो आज देश में 70% नौजवान नौकरी पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी है। ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों के युवा ग्रेजुएशन के बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज पर फोकस करते हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी यूथ ब्रिगेड ऐसा क्या करें जिससे उन्हें नौकरी या बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण बारीकियां सीखने को मिल सकें। थ्योरी और बुकिस नॉलेज से ज्यादा ध्यान दिया जाता है प्रैक्टिकल पे, क्योंकि प्रैक्टिकल आने के बाद आप एक एक चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि बुक्स में जो थ्योरी है उनको प्रैक्टिकल रियलिटी होते हुए आप देखें तो चीजों को फटाफट आप ग्रास्प करते हैं, और यही हमारे भीड़ का कारण है। रेलवेज हो या बैंकिंग सेक्टर, आईटी हो या एयरस्पेस, आज विश्व भर में इंटरनेट और कंप्यूटर एप्लीकेशंस ने हर किसी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बदलती दुनिया की बदलती तस्वीरों के पीछे भी आज इंटरनेट और नेटवर्किंग टेक्निक्स का ही हाथ है, जिसकी बारीकियों को सीखकर आज हर कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ यूं तो आज कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं, मगर सवाल ये उठता है कि आज कम समय और कम पैसों में ऐसी तकनीक की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कौन और कैसे दे सकता है। आज करियर बनाने के लिए युवा के पास हजारों ऑप्शंस हैं, मगर कौन सी सीढ़ी आपको मंजिल तक पहुंचाएगी ये हम आपको बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बसा है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपके करियर को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसका सपना आपने अपने लिए बना है। एक ऐसी गाड़ी जिसका टिकट कटाते ही आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। नाम, ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारे ASET में बिल्कुल जीरो से, चाहे वो स्टूडेंट कॉमर्स का हो, आर्ट का हो, साइंस का, ASET का मानना है कि हर बच्चों में, हर स्टूडेंट में वो काबिलियत होती है आगे आने की। तो हमारे यहाँ शुरुआत ही करते हैं ग्रास रूट से, ताकि स्टूडेंट एक लेवल से उठे और वो केवल आर्ट साइंस की बातों को ना सोचे, क्योंकि हर स्टूडेंट में वो काबिलियत होती है उस लेवल को अचीव करने के लिए। ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत आज से ठीक 20 साल पहले यानी 1993 में हुई थी। दिल्ली के करोल बाग में बसे इस इंस्टीट्यूट का नाम आज देश के कोने कोने में पहचान बनाए हुए है। आज देश के सैकड़ों नौजवान ASET के कंप्लीट कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स के बलबूते ही अपने सपनों को सच करने में लगे हुए हैं। 1 ईयर पहले मैंने ASET ज्वाइन किया, मुझे न्यूज़पेपर के द्वारा इसके बारे में पता लगा, बट उस समय मेरे पास कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट आफ्टर 1 ईयर आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन
इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका है सिखाने का, फैकल्टी इतना अच्छा तरीके से सिखाती हैं कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता हो वो भी अच्छा सीख सकता है। यहाँ पर जब आया तो मैं यहाँ पर डायरेक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया यहाँ क्या क्या होता है नेटवर्किंग में और चिप लेवल वगैरह में। तो उन्होंने मुझे चिप लेवल के बारे में बताया, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। यहाँ पर आने के बाद मतलब हमारा कॉन्फिडेंस जो जैसे हम आए थे उससे अच्छी तरीके से, और मॉरल भी अच्छा मिला। यहाँ के फैकल्टी की वजह से फैकल्टीज हमें प्रॉपर गाइडेंस देते थे और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ग्रो अप करा है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर तरफ डिमांड है तकनीकी ज्ञान रखने वाले प्रोफेशनल्स की, लेकिन ये तकनीकी ज्ञान हासिल करना उतना भी आसान नहीं। इसके लिए चाहिए सही राह और सही सोच जो आपको पहुंचाएगी आपकी मंजिल तक। और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एसेट ने चुने हैं कुछ खास कोर्सेज। रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, CCIE ट्रेनिंग, SAN नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, सिक्योरिटी। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया के ये वो कोर्सेज हैं जो किसी भी स्टूडेंट को एक सामान्य कंप्यूटर ग्रेजुएट से कहीं आगे और कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं। आज की तारीख में ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसे कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 16 महीनों में सीखा जा सकता है। हमारे यहाँ जो ASET में कोर्सेज हैं वो कई तरह के हैं, और उन कोर्सेज में हम सबसे पहले सिखाते हैं 0 लेवल से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग होती है। यानी एक स्टूडेंट जब कंप्यूटर साइंस को समझता है, और आज देखेंगे आप जमाना ही कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का है, फिर जब वो कंप्यूटर में बिल्कुल मास्टरी कर लेता है तब हम ले जाते हैं उसे नेटवर्किंग में, और ये सारा कुछ 6 से 8 महीने में कवर हो जाता है। और रोजाना क्लासेस 3 घंटे की भी हैं, 6 घंटे के भी हैं, फुल डे के भी हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप साथ ही साथ इस कोर्स के साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप पढ़ाई के साथ बाहरी ज्ञान भी हासिल करते हैं। माय नेम इज़ दीपक मिश्रा। आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फ्रॉम ASET इंस्टीट्यूट। आई वुड लाइक टू से बिग थैंक्स टू ASET प्रोवाइड मी कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th अलॉन्ग विद माई ग्रेजुएशन ऑल्सो। नाउ आई एम वर्किंग विद ए ब्रिटिश कंपनी बेस्ड ऑन गुड़गांव। ASET ज्वाइन किया, उसके बाद कोर्स किया, कोर्स करने के बाद जॉब में भी काफ़ी इधर उधर जॉब भी की। उसके बाद आज की डेट में मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है। मुझे ASET के बारे में अपने दोस्त से पता चला था। मैं यहाँ 2007 में यहाँ क्लास ज्वाइन की, और 2009 में मैंने कोर्स कंप्लीट करके सीधे मेरा ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया में हो गई थी। ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ पहलुओं पर नजर डालें तो उनमें सबसे अलग बात ये नजर आती है कि यहाँ कोई भी स्टूडेंट बिना फीस दिए 2 से 4 दिन की ट्रायल क्लासेस भी ले सकता है। इसके अलावा ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करवाते हैं, ताकि तकनीकी ज्ञान पाकर वो हर काम को आसानी से समझ सकें। देखिए, आज किताबी ज्ञान हर जगह पे अवेलेबल है। अगर आपको इसी तरीके का ज्ञान लेना है तो गूगल, यूट्यूब, कई सारी जगह पे वीडियोस भी अवेलेबल है। बट क्या मैटर करता है कि आप उस चीज़ को पढ़कर प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यही मीनिंग होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। जब तक आप प्रैक्टिकल अपने हाथों से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सबसे खास बात ये होती है कि अगर आपने बुकिश कोई पढ़ाई कर रखी है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी भर याद रहे। मैं अदर इंस्टीट्यूट के अपेक्षा यहाँ पे है कि यहाँ के मैनेजमेंट आपको ये कभी नहीं कहती सर आपको यदि ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा नहीं कराऊँगा, ये आपको नहीं पता। अदर इंस्टीट्यूट है कि आपको एक बार कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, आप कंप्लीट हो गए, आप जाओ, आपको जॉब अपनी सर्च करनी है या प्लेसमेंट भी देती है, तो उनके अपने रहते हैं कि आपके नहीं मिले तो आपकी कमी है, आप नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसा है यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा के जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक यानी आप में जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया तो यहाँ पे मुझे ट्रायल क्लासेस दिए गए थे, तो मुझे लगा कि हाँ, हर स्टूडेंट की तरह यहाँ पे ट्रायल क्लासेस होंगे तो ट्रायल क्लासेस अच्छी ही होगी। लेकिन ट्रायल क्लासेस करने के बाद मैं जब यहाँ पे क्लासेस कर रेगुलरली क्लासेस करने लगा तो मुझे लगा कि यार ये तो ट्रायल क्लासेस से भी अच्छी हैं, और मैं पूरी सेटिस्फाइड था वहाँ के ट्रायल क्लासेस से भी और रेगुलर क्लासेस से भी। ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट देश का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है
जो कम समय और कम पैसों में बेरोजगारी को मिटाने की हिम्मत में जुटा हुआ है। यहाँ के तकनीकी ज्ञान के बाद युवा अलग अलग क्षेत्र में आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। 12वीं पास करते ही आज का युवा आत्मनिर्भर बनने का सपना देखता है, जिसे पूरा करने का काम एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बखूबी निभा रही है। आज हर बच्चे में वो काबिलियत है, जितने बड़े लोगों को आप देखें, कई हजार लोगों को, वो बिल्कुल रूट लेवल से उठे हैं। और जरूरत नहीं है कि आपके अंदर PhD आपने किया हो, आपने कोई डिग्री लिया हो। हमारा मानना है कि अगर हाथ का काम आपको आता है, आपके हाथों में वो जादू है, तो फिर दुनिया आपके साथ है। और इसके लिए हम बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं, ताकि वो आपके हाथों में वो मैजिक आ सके। आज आप देखेंगे BTech करके, MBA करके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, 10,000 की जॉब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उसके लिए एक ही इलाज है कि आप टेक्निकल हो, आपके अंदर वो हुनर हो। तो आज हर घर में देखेंगे एक बच्चा बेरोजगार है और डिग्रियां हैं उसके पास। कारण क्या है? कारण यही है कि टेक्निकल हुनर हाथों में वो स्किल नहीं है। और आज हर कंपनी कहती है कि एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर प्रोडक्टिविटी ही नहीं है तो कंपनी कोई भी रखने को तैयार नहीं है। हर कंपनी पहले कहती है कि आप डिग्री अपने साइड में रखें, आप बताएं कि आपको आता क्या है। और यही हम देते हैं एसेट में, जिससे वो मैजिक, जिससे आप उस लेवल तक अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। संपर्क करने के लिए एसेट का पता है, एसेट हाउस 7/56 देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110095। आज का सफर इतना ही, अगले हफ्ते इसी जगह होगी मुलाकात, जहां हम आपको बताएंगे एसेट इंस्टीट्यूट के कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जिन्हें सीखकर आप बन सकते हैं कंप्यूटर साइंस के बादशाह। सी यू नेक्स्ट वीक। Since I was set on a different girl, I've been a